देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कौशाम्बी जनपद के चायल ब्लॉक परिसर में खंड विकास अधिकारी विजय शंकर तिवारी के नेतृत्व में आज बृहस्पतिवार को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें BDO विजय शंकर तिवारी द्वारा ग्राम प्रधानों को गांव के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए बताया गया। BDO ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रधानों को विस्तार से बताया कि पात्र लोगों को कैसे योजनाओं का लाभ मिले। बैठक में BDO चायल ने कहा कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता परक एवं ईमानदारी से कार्य कराकर ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत, स्वच्छ ग्राम पंचायत एवं स्वस्थ ग्राम पंचायत बना सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य करने लगे तो उनके विरोधी स्वयं ही उनका विरोध करना बंद कर देंगे। बैठक में खंड विकास अधिकारी चायल ने ग्राम प्रधानों को वृक्षारोपण के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार आप सभी लोग अपने अपने ग्राम सभा में वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश देने का कार्य करें, ताकि आपके गांव के लोग भी अपनी जमीन में वृक्षारोपण कराएं, क्योंकि वृक्ष से ही हमको शुद्ध हवा व ऑक्सीजन मिलता है तथा COVID-19 की तहत बीमारियों से निपटने में भी सहायक होगा। मीटिंग के दौरान नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया। इसी दौरान इनके कार्यों की जियो टैटिंग तथा मनरेगा के तहत अनेक कार्यों को शुरू करने का आदेश दिया। बैठक में सरकार की योजना के अनुसार सामूहिक विवाह समारोह के विषय में बताते हुए BDO ने कहा कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र के पात्र लोगों को सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी दें, ताकि समय पर आने पर अच्छे तरीके सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा सके। BDO ने बैठक में ग्राम प्रधानों को COVID-19 के टीकाकरण कराने के लिए बताया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को आपके ही ग्राम सभा में टीकाकरण कराया जा रहा है। गांव के सभी लोगों को टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें, उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। सभी ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में 100% कोरोना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आप लोग केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाना सुनिश्चित करें तथा एक दूसरे को बताने का कार्य भी करें। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, Prime 80 न्यूज़।